कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हम आंकड़ों का प्रबंधन का जो अध्याय था उसे हल करने का अभ्यास कर रहे थे और उसके अंदर मैं आपको चित्रालेख के द्वारा सवाल को हल करने का अभ्यास करा रहा था। आज जो हमने सवाल लिया है वो है कि एकता ने अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के जूते के माप के बारे में आंकड़े एकत्रित किए। तो एक तरफ जूतों का माप लिखा हुआ है, एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या है, यानी देखिए जूतों का माप है 4, 5, 6, 7, 8। तो कक्षा के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनमें 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 4 नंबर के जूते आते हैं, 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 5 नंबर के जूते आते हैं, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 6 नंबर के जूते आते हैं, 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 7 नंबर के जूते आते हैं और केवल 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 8 नंबर के जूते आते हैं। अब इनको आपको चित्रालेख के द्वारा सवाल को समझाना है, यानी चित्र की आकृति के द्वारा। तो देखिए हम चित्रालेख, चित्रालेख साल, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपको इसके अंदर एक चित्र की वैल्यू को मानना है, यानी इस प्रकार से आपको एक सारणी बनानी है। जैसे पहले इसमें दे रखा है जूतों के माप, तो हमने यहां लिख दिया जूतों के माप। फिर विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो अब आपको वैसे अब चित्र क्या बनाओगे आप? तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो हम जो खिलौना जो होता है इस प्रकार से एक जीरो बनाया, एक डंडी, ये दो पैर, ये दो पैर दो हाथ, इस प्रकार से आप एक आकृति बना दीजिए। अब आप आंकड़ा क्या मानोगे, एक चित्र को कितनी वैल्यू मानोगे? तो जैसे मैंने अगर लिखूं आप एक चित्र को हमें एक विद्यार्थी मानना है, क्या मानना है? एक विद्यार्थी, ये आपका संकेत हो जाएगा इस सवाल का संकेत, यानी एक चित्र को एक विद्यार्थी आपको मानना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है 4 नंबर, तो हमने एक चित्र को, इस एक चित्र को एक विद्यार्थी माना है, यानी एक विद्यार्थी। तो हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5। तो हम इस प्रकार के कितने चित्र बनाएंगे? 5 चित्र बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 5। जैसे ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, इस प्रकार से हो गए 5 विद्यार्थी। अब उसके बाद में 5 नंबर के जूते, अब 5 नंबर के जूते कितने जने हैं? 8 विद्यार्थी हैं। तो हमें इस प्रकार की कितनी आकृतियां बनानी है? 8 आकृतियां बनानी है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गई। अब 5 नंबर तक बात हो गई, अब आता है 6 नंबर। 6 नंबर ये जूते पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10। तो हमें इस प्रकार की कितनी आकृतियां बनानी है? 10 आकृतियां बनानी है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5,
छः सात आठ नौ और एक दस। फिर सात नंबर के जूते पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है? सात है। तो हम इस प्रकार कितनी आकृतियां बनाएंगे? सात आकृतियां बनाएंगे। अब जूतों की माप है सात, तो सात नंबर के जूते पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है? सात है। तो हम कितनी आकृतियां बनाएंगे? सात आकृतियां बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। अब अंत में आठ, आठ नंबर का जूता पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या है दो। तो केवल दो आकृति, ये एक और ये दो। तो देखिए ये जो हमारे गणितीय आंकड़े दे रखे थे, इन गणितीय आंकड़ों को हमने एक चित्र लेख या चित्रों के द्वारा हमने प्रदर्शित किया। अब जैसे कि इस पर आपको प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि किन नंबर के जूते अधिक विद्यार्थियों द्वारा पहने जाते हैं, तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा आकृतियाँ किसकी दिख रही है? छः नंबर वाली की। हो जाएगा छः नंबर के जूते सबसे अधिक विद्यार्थी पहनते हैं, और सबसे कम नंबर के जूते पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो सबसे कम आकृतियाँ किसके अंदर है? इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आठ नंबर के जूते पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो इसको आप सवाल को वापस देखिए शुरू से और इनको समझिए और फिर समय इनको हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।